कौन से अल्फाबेट के लिए ये वीक अच्छा है, जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट होगा और 18 अगस्त तक ये टाइम बनेगा, इसके अंदर कौन से जो अल्फाबेटिकल टॉप वाले हैं उनका जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। नाजरीन, आपको पता है कि वीकली हॉरोस्कोप हम इनके साथ लेकर चल रहे थे सिलसिला, जो आप सब ने वीडियो देखी और उसका रिस्पांस भी हमें बहुत अच्छा दिया। तो नाजरीन, आपको बताते चले, आप लोगों के जो सवाल आते हैं उसका जवाब भी हम देंगे जो प्रीवियस वीडियो में लोगों ने दाऊद जी दाऊद से किए थे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लेने की, नहीं तो अगली वीडियो में भी आपको उसका जवाब मिलेगा। नाजरीन, ये जो टॉपिक है ये जॉडिक से रिलेटेड तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको अल्फाबेटिकल भी आपको बताएंगे कि कौन से अल्फाबेट के लिए ये वीक अच्छा है, जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट होगा और 18 अगस्त तक ये टाइम बनेगा, इसके अंदर कौन से जो अल्फाबेटिकल टॉप वाले हैं उनका जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, ये बड़ा अच्छा सिलसिला आप लेके चलते हैं अल्फाबेटिकल। आपने लास्ट टाइम भी हमें टॉपिक दिया था, बहुत से लोगों को बेनिफिट भी हो, उन्होंने बताया कि ये चीज़ें चल रही हैं, ये 12 अगस्त से 18 अगस्त आगे आ रही है, इसमें आप क्या देखते हैं, ये वीक कैसा रहेगा और टॉप पे जो अल्फाबेट हैं वो कौन से होंगे, प्लीज़ बताएं इसमें। बहुत शुक्रिया। और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि जो वीडियो हमने बनाई है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं लोगों के, उनके सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। प्लस ये कि जो टॉप के जो है इस वीक में अल्फ़ाबेट हैं उनका भी मैं जिक्र करूँगा और उनके बारे में, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ और उनके जो भी मामलात हैं, दुनियावी मामलात, माली मामलात, रिलेशन, उनके बारे में भी डिस्कस हो। अच्छा जी, सबसे जो तरतीब से मैं शुरू करूं तो पहला जो जोडिक साइन या पहला अल्फाबेट जो निकला है वो है जी डी। डी 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 वाला जी। अच्छा, दाल से जिसका नाम स्टार्ट होता है, डी डी से। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो अगर आपका नाम डी से है तो आप हैं। हाँ जी, डी के जो मामलात हैं उनके घरेलू मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। इनके कारोबार, काम, पैसा, अगर ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ज़बरदस्त किस्म के इनके काम इस वीक में, और इनका कोई बड़ा काम हो सकता है। इनके रूहानी मामलात भी बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और ज़ाहरी मामलात में भी बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक इनके हक़ में जाएंगी। रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त रहेगा इनका और सेहत स्ट्रॉन्ग है और एजुकेशन से मुतलका भी काफ़ी चीज़ें इनके हक में जाएंगी। जो बच्चों ने पेपर दिए हैं, यहाँ के स्टडी कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ट्रैवल पढ़ाई के लिए अगर कोई करता है तो डी वाले ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं के तो डी वाले जरूर ट्रैवल कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रैवलिंग में इनको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, डी का रिलेशन के बारे में इस वीक का क्या देखते हैं? डी का इस वीक में रिलेशन की जो एनर्जी है काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, ठीक है, और मुलाकातें, रबते जो उनका महबूब है उनसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी रिलेशन इस वीक में मामला तो अच्छे होंगे। अच्छे होंगे बिल्कुल। अच्छा दाऊद भाई, अब डी से जिनका नाम स्टार्ट होता है, अगर कोई कारोबार जिसका डी से स्टार्ट हुआ है, नाम है डी से, कोई भी नाम रखे होते हैं लोगों ने, उनको भी बेनिफिट है कि सिर्फ इंसान की बात हो रही है? नहीं, उनको भी बेनिफिट है। उनको भी है, उनको भी बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे ये कामयाबी और ये एनर्जी ही अचीवमेंट की है। बिल्कुल, उनको भी कामयाबी। अच्छा, डी को इस वीक में नजर, बद नजर या जादू, इस तरह की चीज तो नजर नहीं आती कि सदका दे डी? डी को नहीं, बस एक चीज़ है कि काम ज़्यादा होने की वजह से जिस्म पे बोझ आ सकता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, सेहत के इश्यूज हो सकते हैं, ओवरऑल सारा कुछ ठीक है। मतलब पैसे के मामला, पैसा आएगा इनको? हाँ जी, इंशाल्लाह पैसे ठीक हो जाएगा। चलें जी, डी वालों को मुबारक हो। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा? नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ई का। ई वाले लोग? ई वाले, हाँ, ई वाले। ई वालों के कोई डॉक्यूमेंटेशन से मुतलका मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं, ठीक है, और ये बैलेंस कर रहे हैं ई वाले। अगर इनके कोई इस वीक में ई वालों के कोई अदालती मामलात हैं तो हैंडल हो जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, मामलात कंट्रोल रहेंगे, ठीक है। जो बेस्ट इनका आपको नज़र आता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे बाहर का कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है वो, या कोई केस है, क्या ई वाले बाहर का सफ़र कर सकते हैं इस वीक में? तो जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, तो जरूर करें। रिलेशन कैसा रहेगा ई का किसी भी अल्फाबेट के साथ? अच्छा जी, ई का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? तो रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो ई के रिलेशनशिप क्वीन ऑफ कप्स, ये भी बेहतरीन बेहतरीन है। यानी कि ये हमारे जो अल्फाबेट निकले हैं इसमें आपको बड़ी पॉजिटिविटी नजर आएगी,
अच्छा आप डबल डबल यानी कि इसके टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं उनको मैं बैलेंस कर रहा हूं वो कार्ड भी उस तरह अच्छे आ रहे हैं। अच्छा ट्रैवल के हवाले से अगर ई करना चाहे अच्छा ई पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए अगर ट्रैवलिंग करना चाहे तो जबरदस्त कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया यानी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इनके लिए बड़ी ज़ाहरी और रूहानी मददें मौजूद हैं कामयाबी मिलेगी इनको। ठीक हो गया और रूहानी मामलात को नज़रबाद जादू इस तरह की नहीं नहीं काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद और नुसरत इनके साथ है। 12 से 18 अगस्त आपके लिए 12 से 18 अलबत्ता ये है कि जिनके ये ज़बरदस्त किस्म के आए हैं ना इनके लिए मैं एक अमल बताऊँगा ये जिनके नहीं आए अच्छा जिनके नहीं नाम निकले जिनके नाम नहीं निकले उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है एक खास अमल बताऊंगा वो इंशाल्लाह तआला बड़ी जबरदस्त मदद मिल जाएगी इनको कमाल का अमल है इन सब के लिए ठीक है जिनके नाम नहीं आए। ठीक है नेक्स्ट कौन सा नेक्स्ट है जी एफ एफ वाले चलें शुक्र है एफ को भी कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन आप बहुत पैसे से मुतलका खुशहाल नजर आते हैं इस वीक में पैसे आने के चांसेस नजर आते हैं और आपकी सेहत जबरदस्त कारोबारी मामलात बड़े जबरदस्त पैसे जो रुके हुए हैं वो आने के चांसेस और यहाँ पे जॉब बिजनेस कैरियर में भी मदद है और मैरिज और रिलेशन में भी मदद है। अच्छा एफ वाले लोगों एफ वालों के लोग ठीक है नया बनेगा रिलेशन या जो है वही ठीक हो जाएगा इनके रिलेशन की सूरत हाल क्या रहेगी एफ वालों की उसको देख लेते हैं जो रिलेशन की सूरत हाल ये है कि पुराना रिलेशन भी ठीक हो सकता है और नया रिलेशन भी बन सकता है मगर ये वालदैन की मर्जी से है इसमें बड़ों और बुजुर्गों का किरदार भी नज़र आता है। अच्छा अगर रिलेशन में खराबी है तो वो खराबी ठीक हो जाएगी ठीक हो गया। अच्छा जो स्टडी के लिए एफ वाले लोग हैं करना चाहते हैं कोई डॉक्टर है कुछ भी है अब स्टडी के लिए मतलब उनके मामला अच्छा स्टडी में इनका सारा फोकस खराब रह जाता है। अच्छा स्टडी में उसके लिए इनको है कि पानी के ऊपर जो है औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम तुलबा तलबात को 21 मरतबा दम करके पानी पीना चाहिए स्टडी के बारे में थोड़ा सा ये फोकस खराब है इनका फोकस खराब है इनका। अच्छा उसके अलावा हेल्थ कैसी रहेगी एफ की वो आपने बताया। हाँ जी हेल्थ जबरदस्त है इनकी हेल्थ का जबरदस्त है हेल्थ मजबूत है अलबत्ता ये वॉक जरूर करें वॉक करें एफ वाले लोग एफ वाले ठीक हो गया। अब उसके बाद कौन सा जोड़ी जी सॉरी अल्फाबेट जी 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 वाले लोग जी वाले ठीक है जबरदस्त किस्म की मदद है और खासकर फैमिली से मुतलका रिलेशन से मुतलका घरेलू माहौल से मुतलका मैं कहता हूं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम आ सकता है और माली तौर पे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और इनका बाहर का सफ़र देख लेते हैं जी बाहर का सफ़र भी खुशियां हैं जजमेंट का कार्ड है कर सकते हैं तो जी वाले बड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। इनका रिलेशन कैसा रहेगा जी वालों का इस वीक में जी वालों का इस वीक में रिलेशन कैसा रहेगा तो रिलेशन ठीक है ना बेहतर है रिलेशन है आपको कामयाबी मिलेगी प्रपोजल आ सकते हैं ठीक है और प्रपोजल आप दे भी सकते हैं और रिलेशन में कामयाबी भी मिलेगी ठीक है। जी वालों का इस वीक का जो है मैसेज भी देख लेते हैं मैसेज ऑफ द वीक जी वालों का इस वीक का जो है मून एनर्जी से हाँ जी आप पर्सनल इशू रीच रिसोल्यूशन एक जाती मसला हल तक पहुँच हल तक पहुँच रहा है आपका ये आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है यूनिवर्स जी वाले लोगों के लिए जी वाले अच्छा जी वाले जो हैं कोई बीमारी से रिलेटेड अगर हैं बीमार हैं या हेल्थ उनकी इस वीक में कैसी रहेगी जी वालों की हेल्थ कैसी रहेगी तो हेल्थ वॉक कर रहे हैं अपनी सेहत ठीक है इनकी इस वीक में अच्छी एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है ठीक है कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा मुझे सेहत से सही है। इसके बाद कौन सा अल्फाबेट है इसके बाद अल्फाबेट एच एच वाले लोग एच वाले लोगों की भी बड़ी हमायूं हसन या एच से जिसका भी नाम या आपके कारोबार का नाम एच से है। अच्छा सबसे पहले पैसा बताएं एच वालों के लिए क्या एच वालों के लिए इस वीक में पैसे की अगर मैं बात करूं तो पैसा तो है पैसा है पैसा आ रहा है और पैसे की नई नई प्लानिंग आएगी ठीक है मुख्तलिफ तजर्बात कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने का हुनर आता है इन्फिनिटी पावर स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है आपको पता चल जाएगा आपने पैसा कैसे कमाना है। अच्छा और आपका यूनिवर्स से एच वालों का इस वीक का मैसेज एच वालों का यूनिवर्स का मून एनर्जी से मैसेज है जनाब क्या है वाला आगे खुशहाली है देखा ना वाजिब तो खुशहाली वाला कार्ड है ये कार्ड आपका निकला है और बहुत अच्छा यानी कि कार्ड आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। अच्छा ये एच वाले ट्रैवल अगर करना चाहें तो उसके हवाले से एच वालों को ट्रैवल करना चाहिए तो जरूर करें जी ट्रैवल है क्योंकि हमने ये निकाले हैं ना ये कार्ड ही पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं तो मतलब जिनका पॉजिटिव टॉप है उनका ही बता रहे हैं इसमें हेल्थ भी ठीक रहेगी इनकी एच वालों की पैसा भी आ रहा है जी उसके अलावा ट्रैवल भी कर सकते हैं स्टडी के मामला एच वाले एच वालों के मेल फीमेल की ये मेल फीमेल दोनों का ही बताते हैं
आज स्टडी में ये जरा फोकस नहीं सही कर पा रहे। अच्छा, स्टडी का प्रॉब्लम है इनका भी। ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन के लिए कैसा है? एच बिजनेस मैन कोई भी, हाँ बिजनेस एच वालों का कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत पैसा आ सकता है। पैसों की नई शुरुआत है, नए काम कर सकते हैं। एक तो गोल्ड का काम अच्छा है, पैसे का काम, मनी चेंजर वालों का काम अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज वालों का काम अच्छा, और सर्विसेज जो दे रहे हैं उनके बिल्कुल जबरदस्त किस्म की सर्विसेज इनके लिए नजर आती है, नजर आती है। नेक्स्ट कौन सा? अच्छा नेक्स्ट और उसको के के अल्फाबेट काशिफ कुशमाइला, मतलब कोई भी मेल फीमेल या कारोबार का नाम है, इनको भी बड़ी हैरान कन खबरें और हैरान कन मदद मिलेगी। अच्छा, मीडिया से जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी बड़े स्ट्रॉन्ग हेल्प मिल रही है। और इनका के वालों का बिजनेस कैसा रहेगा? तो बिजनेस में भी ये बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप स्ट्रेंथ, अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करने के लिए जॉब या सीवी वगैरह आगे कहीं ड्रॉप करें तो जरूर करें। अच्छा, ये लोग जो अल्फाबेट बता रहे हैं अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं, खुश नहीं है जॉब से, तो वो ये टाइम अच्छा है उनके लिए? नहीं, अभी वेट करना है, स्विच नहीं कर रही, इसी जगह पे इनको ये जितना अल्फाबेट बता रहे हैं, ये जो मैं के की बता रहा हूँ, अभी नहीं करना है इसको स्विच, अभी जॉब कर रहे हैं तो अभी करें, मगर ये है कि अप्लाई किया जा सकता है, स्विच नहीं करना, अप्लाई। सफर आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी? अच्छा जी, के का आउट ऑफ कंट्री सफर की मैं बात करूँ तो सफर से मुतलका जा सकते हैं लेकिन प्लानिंग करके जाए। ठीक है, ये नहीं कि बगैर प्लानिंग के निकल जाए। ठीक हो गया, प्लानिंग करके। स्टूडेंट्स के लिए क्या देखते हैं? स्टूडेंट के लिए के कैसा रहेगा? तो स्टूडेंट के लिए के अच्छा है, तुलबा तालबाल के लिए तालबात का फोकस भी बेहतर रहेगा, अच्छी एनर्जी जा रही है, यूनिवर्स मैसेज कर देता है के वालों। अच्छा जी, के वालों का इस वीक का यूनिवर्स मैसेज है के वालों का, जनाब आ पर्सनल इशू रीच रिसोल्यूशन, एक जाती मसला हल तक पहुँच हल तक पहुँच रहा है आपका। ठीक हो गया, तो अभी नेक्स्ट कौन सा? एन वाले लोग दी स्टार एनर्जी, लोगों को फायदा दे रहे हैं, कमाल की मदद है, जबरदस्त किस्म की एनर्जी नजर आती है। ठीक है, और आपका बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा एन का इस वीक? बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो बिजनेस और कैरियर में नए काम आ सकते हैं, माली तौर पर स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, कोई दोस्त अहबाब मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और एनर्जेटिक नजर आते हैं। बिजनेस और जॉब और कैरियर में आपको पॉजिटिव एनर्जी नजर आएगी, पॉजिटिव इनको मतलब की एनर्जी मिलेगी। और रिलेशन अगर मैं देखूँ आप लोगों का एन वालों का इस वीक में रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन में भी दी सन का कार्ड आपके रिलेशन की कामयाबी को जाहिर करता है, तो पॉजिटिव एनर्जी और कामयाबी के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी हासिल करते हुए। एन वाले ट्रैवल करना चाहें स्टडी के लिए या वैसे? तो अपने इस वीक में एन वालों की अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, बिला शुबा ट्रैवलिंग के मामला नजर आते हैं, अच्छी एनर्जी है। ठीक है, सेहत? एन वालों की सेहत कहती है एक ऐसी इस वीक में, तो सेहत से आप नींद पूरी किया करें, अपने आप को आराम जरूर दिया करें, आराम जरूरी है, थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, जिस्म और सर के ऊपर बोझ नजर आता है, यानी कि टेंशन फील करते हैं। हाँ, अच्छा तो ये जो बिजनेसमैन है एन वाले उनका या जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा है? अच्छा है, बेहतरीन बेहतरीन है, बेहतरीन है। नेक्स्ट कौन सा? आर, आर वाले लोग, आर वाले राबिया राशिद रामेश, हाँ जी आर रहीन, जी रहीला, तो कोई भी नाम, जो भी आर से नाम, हाँ जो आर से रिलेटेड है वो जबरदस्त किस्म की एनर्जी रखते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें, अगर आप किसी रिलेशन में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी। आर के जॉब और बिजनेस और कैरियर को मैं देखूँ तो यहाँ पे आप जॉब बिजनेस कैरियर में बहुत सी चीजें कंट्रोल कर लेंगे, बेहतर और मजबूत हालात हो जाएंगे आपके। ठीक है, रिलेशन अगर आप बात करूँ तो रिलेशन से मुतलका जो चीजें आपकी समझ नहीं आ रही थी, जो चीज रुकी हुई थी, वो बेहतरी की तरफ जाएगी। ठीक है, ट्रैवल कैसा रहेगा आपको? आर वालों को ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं तो आप जरूर ट्रैवल करें, ट्रैवल से आपको फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा, कहीं पे भी ट्रैवल करें किया जाए, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री। इनको मैसेज क्या देता है यूनिवर्स? अच्छा, यूनिवर्स आर वालों को मैसेज देता है जनाब सरेंडर टू द डिवाइन, यानी कि आप जो भी करना चाहते हैं रब के ऊपर छोड़ दें, तवक्कल करें, यानी कि खुदाई के ऊपर यकीन रखें, जबरदस्त किस्म के हालात खुद खुद ऑटोमेटिक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये टाइम जो है 12 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान तक का हम बता रहे हैं। अच्छा, बिजनेसमैन और जो उनके हवाले से पैसे के हवाले से, जिसके पैसे पैसे के हवाले से मैं बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स है, आपको पैसे के मामला स्ट्रॉन्ग अच्छे आर वालों, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? टी, टी वाले लोग, टी वाले बड़े जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी रख रहे हैं जनाब, इनके
इल्मी, इनकी काबिलियत, इनके बिजनेस और कैरियर में बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं जो इनको स्ट्रॉन्ग करेंगी। अच्छा, टी वालों का जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा? तो जॉब और बिजनेस से मुतल्लिका इनको जो नेगेटिविटी आई थी, काम नहीं चल रहे थे, वहाँ इनके बेहतरी के मामला होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रुके हुए काम यानी के रुके हुए काम होना शुरू होंगे। और लव और रिलेशन टी वालों का कैसा रहेगा? तो लव और रिलेशन में पार्टनर के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगु और बड़ी अच्छी गपशप और अच्छे मामला लेके चलेंगे आप इस वीक में। इस वीक में अच्छा दाऊद भाई, इनके हवाले से जरा बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं टी वाले या हाउस वाइफ्स हैं, टी वाले स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो टी वाले स्टूडेंट जो है कोई बड़ी सब्जेक्ट की चेंजिंग कर सकते हैं, तब्दीली आ सकती है और पॉजिटिव तब्दीली है, और ये है कि इनका तालीमी मियार बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। हाउस वाइफ की बात करूँ टी वालों की, तो हाउस वाइफ जो है उनको नजरे बात से बच के रहना चाहिए, उनके हासदीन उनके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिन टी ने नया कारोबार स्टार्ट किया है या वो स्विच करना चाह रहे हैं, उनके लिए कार्ड क्या कहते हैं? नहीं, नया कारोबार जो किया है या स्विच करना चाहते हैं उसको उस तरफ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त फैसला नहीं कोई करना। ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दें, ठीक हो, उसको ना रोकें। इनको यूनिवर्स क्या मैसेज देता है? अच्छा जी, टी वालों को इस वीक का यूनिवर्स मैसेज देता है जनाब, टी वालों को, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। इसके अंदर सारी ये चीज समझ जाए, हाँ, इस वीक में आपने क्या करना है, आपने अभी अच्छा, इनके इनका अच्छा है जी, हेल्थ ठीक है इनकी, हाँ जी अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? यू, यू वाले लोग, यू वालों के लिए बड़ी जबरदस्त, उमर, उसामा, हाँ, मेर, इनके रूहानी मामला बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, रूहानी पावर बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आती है, ठीक है, और ये सुकून महसूस करेंगे अपने आप को इस वीक में, और ये है कि खुद भी फायदा लेंगे, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। अच्छा, यू वालों का जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा इस वीक में? तो यू वालों का जॉब और बिजनेस की मैं बात करूं तो जॉब और बिजनेस बहुत जबरदस्त है, हीलो फॉर्चून निकला, हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जबरदस्त है, ठीक है, मदद आएगी, कामयाबी होगी और कोई एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हो सकता है, बड़ी जबरदस्त मदद है। अच्छा, रिश्तों के मामला कैसे रहेंगे यू के? यू वालों के रिश्तों के मामला कैसे रहेंगे? तो यू वालों के रिश्तों के मामला, दी लवर्स, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, प्यार करेंगे, मोहब्बत बढ़ जाएगी इस वीक में। इस वीक अच्छा, पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यू वाले तो कर लें, क्या यू वालों को इस वीक में पैसे इन्वेस्ट कर लेने चाहिए? नहीं, इन्वेस्टमेंट ना करें अभी, अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, वहाँ कोई थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करें, अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, और गोल्ड का जो काम कर रहे हैं यू वाले? यू वाले जो गोल्ड का काम करते हैं तो वो ठीक है, गोल्ड आर्टिफिशियल भी गोल्ड होता है? नहीं नहीं, चांदी और सोना में फायदा होगा, फायदा होगा इनको अगर रखी हुई है तो, बेनिफिट फायदा होगा, ठीक हो गया। इनको मैसेज क्या दे रहा है यूनिवर्स? यूनिवर्स यू वालों को मैसेज दे रहा है जनाब, यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप ज्यादा तरक्की चाहते हैं, तो कुछ चीजों को निकालें और फिर पॉजिटिविटी की तरफ। नेक्स्ट कौन सा दोस्त? बल्कि अल्फाबेट वी, वी वाले लोग, दी वर्ड, कामयाबी, अचीवमेंट, अल्लाह की मदद, आसानियाँ, खैर बरकत, लोगों की मोहब्बत और प्यार, हर जगह पे कामयाबी और बड़े बड़े फैसले नजर आते हैं। ठीक है, ट्रैवल कैसा रहेगा इनका? वी का जो है इस हफ्ते का ट्रैवल की बात करूँ तो ट्रैवल आप कर सकते हैं, सफर वसीला है, सफर कामयाबी की तरफ आपको ये सफर ले जाएगा, बिल्कुल कामयाबी मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए वी के लिए कैसा? वी पूरी दुनिया में है, इंडिया के लोग वी से रिलेटेड एवरीथिंग, वी वाले सफर, स्टूडेंट भी अच्छे, सफर भी अच्छा, दी सन का कार्ड कामयाबियां लेकर आ रहा है। वी का देखते हैं कार्ड क्या कहता है। लव रीडिंग देखते हैं वी की, लव रीडिंग वो 50-50 है, जरा वह आपको जरा अखराजात वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इनको यूनिवर्स, यूनिवर्स वी का यूनिवर्स मैसेज है जनाब वी वालों के लिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कुछ चीजों में तब्दीली की जरूरत है। ठीक है, तब्दीली लाएं अपनी चीजों में ताकि ज्यादा मदद मिले। नेक्स्ट कौन सा? डब्ल्यू, डब्ल्यू वाले लोग, नई शुरुआत, वाजिद, वसीम, वजीहा, वहाब, वाज, नई नई बिगिनिंग लाएं, नई शुरुआत करें, पैसा आ सकता है, नए काम शुरू हो सकते हैं, आप गुड लुकिंग नजर आ रहे हैं, ज्यादा अच्छा पहने हुए, पहनाते हुए, कपड़ों की अच्छी सिलेक्शन, एवरीथिंग बड़ी जबरदस्त है आप लोगों की इस वीक में। ठीक है, इनके स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? स्टूडेंट के लिए कैसा है? स्टूडेंट के लिए बहुत जबरदस्त है, एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, तुलबा तालबात तालीमी मामला में बड़ी अच्छी मदद हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो रिलेशन इनका बनता है डब्ल्यू के रिलेशन की बात बनाना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, बिल्कुल इस वीक में अगर रिलेशन बनाना चाहें तो जरूर करें जी, फायदे मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल कामयाबियां हैं रिलेशन में, प्यार और मोहब्बत में स्ट्रांग नजर आते हैं, स्ट्रांग नजर आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा? एक्स, एक्स वाले लोग, एक्स वालों के लिए जबरदस्त किस्म की कामयाबियां हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत है, बड़ी जबरदस्त किस्म की आसानियों के मामलात रहेंगे। इनका जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा? तो एस ऑफ कप आपके अच्छे जो है फ्यूचर और मुस्तकबिल को जाहिर करता है। मैसेज क्या मिल रहा है? इनकी लव रीडिंग की बात करूं तो लव रीडिंग से मुतलका नेगेटिविटी से निकलेंगे ये लोग। ठीक है, और सफर करना चाहिए कि नहीं इनको? तो सफर ये कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्स का मैसेज एक्स वालों के लिए, यूनिवर्स का मैसेज है जनाब यहाँ पे, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यानी कि आपकी कुछ चीजें जब आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव निकालेंगे तो और ज्यादा तरक्की की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? जेड, जेड वाले लोग, जेड वालों के लिए बड़ा जबरदस्त अल्फाबेट नजर आता है, और हासदीन आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे मगर आप फिर भी कामयाबियों की सीढ़ियां समेटेंगे। ठीक है, कामयाबी की तरफ जाएंगे। पैसा आ रहा है इनके पास? पैसे के मामलात कैसे रहेंगे? बिल्कुल अच्छी पोजीशन पर जाएंगे, दो तीन काम से आपको पैसे मिल सकते हैं, पैसे के माली तौर पर स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। बिजनेस हो या जॉब हो, बिल्कुल जॉब और बिजनेस। ट्रैवल करना चाहें जेड इस वीक? क्या इनको ट्रैवल करना चाहिए? तो जरूर करना चाहिए, ट्रैवलिंग की अच्छी एनर्जी आपकी नजर आ रही है, ट्रैवलिंग करें आप। स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? स्टूडेंट के लिए क्या? स्टूडेंट के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, आप तालीमी मामलात के लिए ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। हाउसवाइफ के लिए? हाउसवाइफ के लिए जेड की बात करूं तो हाउसवाइफ को थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए, ज्यादा कामों की वजह से अपनी सेहत को डिस्टर्ब ना करें। ठीक हो गया, इनको यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है? अच्छा जी, इनको यूनिवर्स जो मैसेज दे रहा है जेड वालों को, यूनिवर्स का मैसेज है जनाब यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफी हैं। यही मैसेज इनको भी आया है जेड वालों को। तो नाज़रीन आपने देखा ये टॉप के जो अल्फाबेट्स हैं, आई थिंक ये 14 बनते हैं जो अगर हम काउंट इनको करें तो 14 अल्फाबेट्स इनको ये बेनिफिट इस वीक में होने जा रहा है। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और इसमें आपका अल्फाबेट नहीं है तो दाऊद भाई से हम पूछेंगे कि उनको क्या पढ़ने के लिए। जिनका अल्फाबेट नहीं है उनको पढ़ने के लिए एक मैं ज़बरदस्त अमल दिए देता हूँ, वो फ़ायदा उठाएंगे। देखें जी, आपके कामों में रुकावटें हैं, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम का सामना है, तो आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा अपने कामों की रुकावटें दूर करने के लिए पढ़ें, और दो अगरबत्तियाँ लेके ना अपने कामों की रुकावटें दूर करके रोज़ाना, यानी कि पीर मंगल बुध जुमरा जुमा हफ्ता इतवार रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। और ये अमल है बुज़ुर्गों वाला, रूहानी अमल है, जो लोग ये पढ़ें वो मैसेज दे दें हमें, कमेंट्स में कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें कि हम ये पढ़ना चाहते हैं, आपके कामों की बड़ी बड़ी रुकावटें दूर होंगी और अल्लाह की मदद और नुसरत भी आएगी। बिल्कुल नाज़रीन, आप चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ, जो लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं। मोहम्मद इजाज ने लिखा है जी, मेरा नाम इजाज है, इनको नज़र रखें, वो कह रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम गजाला है, मेरी माँ का नाम नासरा बीबी है, मेरे लिए दुआ करें दो भाई। अल्लाह भी आसानियाँ करें जी। शाहिद महमूद साहब है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद भाई आपका, ये हसन साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, शफाक कुरैशी, वालदा का नाम रुबीना शाहिद, मेरी शादी के बारे में पूछना है, शादी में रुकावट है, प्लीज़ बता दें, आने दिसंबर में शादी रखी है, अब तक हो जाएगी शफाक आपकी शादी का? हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगी इंशाल्लाह, अब रुकावटें दूर हो चुकी हैं। ठीक है, आफ्ताब कह रहे हैं दुआ में मुझे याद जी, अल्लाह सानी। उमर वहाब कह रहे हैं दुआ में याद रखिए जी, इंशाल्लाह। सर जी, इजाज़त चाहिए कैंडल वाले अमल पर जी, बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल। सर, मेरा नाम शौकत अली है, मेरी वालदा का नाम है सिगरी बीबी, एक तो आप इजाज़त दे दें, दूसरा आपने ये नहीं बताया कि जो कैंडल पर अमल करना है इस पे क्या पढ़ना है, ये बताया हुआ वीडियो? हाँ जी, बताया हुआ है, बताया हुआ, वीडियो दोबारा देखें, बताइए, जो लास्ट वीडियो थी हमारी दाऊद भाई के साथ। मोहम्मद अनवर खान, स्कूल में नाम है मोहम्मद अनवर बे खान, तो कौन सा नाम ठीक है? क्या अनवर बे खान जो ठीक है? हाँ, अनवर बे खान ठीक है। ठीक है, प्लीज़ प्रे फॉर मी, अदीबा, वालदा का नाम परवीन है, अल्लाह सानिया करे। मेरा नाम जीनत है सर, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, इस मंथ अगस्त में मेरी शादी हो जाएगी, बहुत परेशान हूँ। जीनत की शादी अगस्त में? हाँ जी, यहाँ पे वाकई परेशानी वाला मामला तो है, कहीं डिले ना हो जाए, मगर आसानी अल्लाह ताला आसानियाँ करें। मेरा नाम नबील हुसैन है, मैं बाहर के मुल्क कब जाऊँगा, पैसे कब आएंगे, शादी कब होगी? नबील हुसैन बाहर कब जाएंगे? बिल्कुल जल्दी जा रहे हैं, पैसे के मामला आपके वो थोड़ा सा वक्त लगेगा, शादी नबील की कब होगी, शादी में लेट है। वसीम राजा, 15 अगस्त 1982, संडे, कैरियर फ्यूचर के बारे में बता दें।
पूरा नाम बोलिए, वसीम राजा। वसीम राजा का कैरियर अभी तो काम रुके हुए हैं, फ्यूचर के बारे में नेगेटिविटी है, डिले है मामला। ठीक है। अच्छा जी, रफीक खान अब्बासी इनका नाम है, दुआ के लिए कह रहे हैं। अल्लाह आसानियाँ करें। ठीक हो गया सर, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक आपने किया था, और ये जो टॉपिक्स हैं लोग पसंद करते हैं। बिग फैन दाऊद, दाऊद जी दाऊद लोगों ने ही लिखा हुआ है। मेरा नाम अनम असगर है, वालदा का नाम जैनब असगर है, प्लीज़ दुआ करें मेरी रुकावटें दूर हो जाएं, अगर कोई पढ़ाई है तो प्लीज़ बता दें। हाँ जी, ये आप 313 मरतबा आयत करीमा शुरू करो, 21 दिन का अमल करो रोजाना। अच्छा जी, नेक्स्ट है दाऊद जी दाऊद, मेरा नाम रुबीना है, जॉब नहीं मिल रही, 2 ईयर से ट्राई कर रही हूँ, शादी के लिए रिश्ता आता है, काम बनते बनते रुक जाता है, हेल्थ खराब। बिल्कुल, आपके रूहानी मामलात की वजह से रुकावट है, आपको आयतल कुर्सी 21 मरतबा 21 दिन रोजाना पानी पे दम करके पीनी चाहिए। ठीक है। मेरा नाम अंजुम परवीन है, मेरे वालदा का नाम इकबाल उनीसा है, दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह आसानियाँ करे। ताहिर कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आसानियाँ। माय नेम इज़ हवा बी, मदर का नाम है हवा, हवा बी नाम इनका, मदर का नाम है खातिमा। हवा बीबी। हाँ हवा बीबी होगा, उन्होंने बी लिखा हुआ है, इंडिया से हैं ये। मोहम्मद रफीक, गफूरा बीबी, मैं सऊदी अरब हूँ, मेरे हालात ख़राब हैं, दुआ करना मेरे लिए। क्या नाम है? रफीक, मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक के हालात क्यों ख़राब हैं? देखो काम रुके हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, तबीयत ख़राब रहती है। एक तो सदका करो गोश्त का, और दूसरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 दिन 319 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पियो, इंशाल्लाह तबीयत भी ठीक हो जाएगी, हालात में भी। यास्मीन नाज, मदर का नाम नसीम बेगम है, नाज और जादू और हिफाजत के लिए प्लीज़ कोई रेमेडी बता दें। सेहत के इश्यूज हैं, और ये है कि आप सूरह यासीन की पहली 9 आयत 19 मरतबा पानी के ऊपर, अवलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पानी के ऊपर दम करके 11 दिन लगातार पियो, इंशाल्लाह काफ़ी अफाका हो जाएगा। अली भाई कह रहे हैं मेरे रेस्टोरेंट का नाम पी से है, तो इसके हालात बेहतर हो जाएंगे, यानी अगस्त का वो पूछ रहे थे, तो उनके हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला। ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा, वालदा का नाम परवीन अख्तर। गुलाम मुस्तफ़ा के क्या मामला जा रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा, आप अपने मामला को रूहानी तरीके से हल करने की कोशिश किया करो, उससे मदद आएगी। मोहम्मद असजद नाम है, नजर कह रहे रखें, और हालात ठीक है जी इंशाल्लाह ताला। प्लीज इजाजत दे दें, दुआ करें मेरी पूरी फैमिली के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेंगे। ठीक है। यकीन उर रहमान नाम है, मदर का नाम एस से है, रुबीना ताहिर है, इनके ला ठीक है, अल्लाह ताला आसानियाँ करें जी। बिल्कुल, पैसे के इश्यूज हैं कुछ। ठीक हो गया। सर बहुत शुक्रिया, अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, लेकिन क्या करें, प्रोग्राम भी हमने एंड करना है, नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें इंशाल्लाह। नाज़रीन, हर वीक में दाऊद जी दाऊद के साथ हम जो टॉपिक करेंगे आपके सामने वो आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ऑल पर क्लिक करें, और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि बुरी नज़र, बुरे लोग, उन लोगों से आप लोगों को बचा सकें। इस टॉपिक जो जो लोग हमें देख रहे हैं, आपसे बस दरख्वास्त है, आप भी दुआ करें हमारे लिए, हम भी करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।